गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, सो डिड यू गो थ्रू दैट वीडियो, टुडेज वीडियो? यस मैम। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? फर्स्ट टेल मी व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट नेम? इलोंगेशन ऑफ फ्लेकिनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट। Of which aggregate? It should be mentioned, okay? Not only aggregate. It should be okay, of ma'am. What aggregate? Okay? See, basically the name, the experiment name is aggregate shape test. Okay? Yes. As I said, that's this lab deals with what? We will conduct different experiment to observe the properties of the materials that we are using. And here the material, highway material that we are using is coarse aggregate. Okay, so one of the property is that it should have, we should know the shape of the aggregate that has been used for construction. Okay, now why we need to have an idea about the shape? Why is it necessary? मतलब shape के पीछे हम लोग क्यों इतना time waste कर रहे हैं? हम तो कोई भी aggregate, मतलब जैसा भी shape हो, एक aggregate ले लेंगे, एक कोई भी quality के aggregate ले लेंगे जिसका quality बाकी सब ठीक है, impact value ये सब ठीक है, लेकिन हम उसी को लेकर काम करना start कर देंगे. Okay, then why we are considering this shape? Shape से क्या effect होगा? कोई भी property, मतलब जो भी construct करेंगे, ठीक है, उसका क्या effect हो सकता है, उसके ऊपर क्या effect पड़ सकता है? Any idea? सेप की वजह से, सेप ऑफ द कोर्स एग्रीगेट मैम वर्केबल बेशी होवे। ओके, वर्केबिलिटी। ओके, वर्केबिलिटी मींस व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ लेइंग। ओके, जैसे हम प्लेस करेंगे, अब यहाँ पे वर्केबिलिटी क्या होता है? ये एग्रीगेट तुम्हारा एक होता है कि बिटुमिनस मिक्स के साथ हो सकता है, एक होता है कि हम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तब ये वर्केबिलिटी, मतलब कि हम कैसे प्लेस, हमको तो पहले उसको ले करना है, फिर ना वो रोलर वोलर प्रेशर कर, मतलब उसके ऊपर प्रेशर लगा के उसको एक सर्टन कंपैक्शन देके थिक लेयर बिठाएंगे, राइट? लेकिन उससे पहले हमको तो प्लेस करना है, अगर वो प्लेस करने में ही मुसीबत आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. तो शेप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू अंडरस्टैंड द वर्केबिलिटी, ठीक है. और क्या क्या हो सकता है? ये तो वर्केबिलिटी एक हो गया, एक क्राइटेरिया. व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया? राका दास अच्छा क्या अच्छा श्रीमय बोलो. मैम वही इंक्रीज द वाटर सीमेंट रेशियो. ओके, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है. और बेसिकली तुम लोग इस वाले टेस्ट में क्या देखे थे? इस वाले टेस्ट में दो टर्म शायद देखे होंगे कि इसके ऊपर हमको इसका ये वैल्यू या ये इंडेक्स हमको निकालना है. क्या था वो इंडेक्स का नाम? मैम फ्लेकिनेस इंडेक्स की, फ्लेकिनेस इलोंगेशन शायद. की हमने तो कल ही तुमको भेज दिए थे, फिर भी अभी तक ये सब कंफ्यूजन क्यों है? देखो, एक तुमने सही बोला, वन इज योर फ्लेकिनेस इंडेक्स. ओके, हाँ, अभी किसने आंसर दिया? हु रोट द आंसर? अबीर. एलोंगेशन एंड फ्लेकिनेस इंडेक्स, वेरी गुड. अब ये चीज है क्या? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेकिनेस इंडेक्स? किसको फ्लेकिनेस इंडेक्स किसको बोलते हैं और एलोंगेशन इंडेक्स किसको बोलते हैं, वही हम देखने वाले हैं. ओके, सो सी, फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट. ओके, इसको शेप टेस्ट भी बोल सकते हैं. जनरली एग्रीगेट का शेप टेस्ट का मतलब हमको यहाँ पे इन बिटुमिनस केस, इन हाईवे मटेरियल केस, वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स, एक फैक्टर निकालना है, ठीक है. एंड दैट इज एज पर IS 2386 पार्ट वन. पहले वाला था पार्ट फोर, इम्पैक्ट वैल्यू वाला. ओके, अब देखो यहाँ पे हमको पहले डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेकी पार्टिकल्स, ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेकी एग्रीगेट्स, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एलोंगेटेड एग्रीगेट्स. ओके, एग्रीगेट तुम्हारा बहुत सारा सैंपल्स रहता है, राइट? तुम
तो एक दो एग्रीगेट को मिलाकर नहीं करोगे, ह्यूज नंबर ऑफ एग्रीगेट्स विल बी देयर। हम तो वेट हिसाब में उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। कंस्ट्रक्ट करने के टाइम में हम वेट लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, राइट, वॉल्यूम के हिसाब में मिक्स करेंगे। तो उसमें तुम्हारा बहुत सारा टाइप का एग्रीगेट्स आ सकता है, मतलब बहुत सारे शेप का एग्रीगेट, रादर वी कैन से शेप्स का एग्रीगेट, ठीक है। अब तुम लोग का एक ग्रुप है, तुम लोग के ग्रुप में कोई कोई देखना कि बहुत पतला वतला है, कोई कोई देखना कि बहुत छोटा हाइट का है, और कोई कोई देखना कि बहुत लंबा लंबा हाइट का है, और कोई कोई देखना बहुत मोटा मोटा है, ठीक है। सबको मिलाकर ही तुम लोग, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, तुम लोग का स्ट्रेंथ है सबको मिलाकर ही, ठीक है। अब उस ग्रुप में मतलब ऐसे इतने सारे कैंडिडेट्स है कि जो बहुत ज्यादा पतले हैं, मतलब मोटा भी ज्यादा नहीं है, एलोंगेशन भी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारा पतले पतले मतलब वहां पे कैंडिडेट्स है। तो वो ग्रुप को अगर कोई टास्क दिया जाएगा, कोई मतलब हेवी चीज उठाने के लिए, ठीक है, तो वो सेम नंबर ऑफ, दूसरा ग्रुप में भी सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन उसमें थोड़ा कंबाइंड मिलाकर है, ज्यादा पतला भी नहीं है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, वैसा टाइप का है, ठीक है। तो दोनों में से कौन ज्यादा कैरी कर सकेगा लोड, जिसमें बहुत सारे पतले कैंडिडेट थे, या जिसमें ठीक ठाक मतलब कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक कैंडिडेट्स थे, जो सेकेंड कैंडिडेट्स को ही, वो उन लोग का बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, राइट, वो लोग ही ज्यादा कैरी कर सकेंगे लोड, क्योंकि पतला वाला कैंडिडेट्स का क्या हो जाएगा, पतला वाला एग्रीगेट दे विल हैव अ टेंडेंसी टू ब्रेक इफ दे कम्स अंडर द लोड। अगर उसके ऊपर कोई लोड आ गया, एक पतला सा एकदम पतला सा एग्रीगेट है, उसके ऊपर अगर कोई लोड आ गया तो क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक, राइट, टूट जाएगा। तो ये लोड कैरी नहीं कर सकता। हम लोग बोले थे पेवमेंट में लोड, जो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ कौन ले रहा है, एग्रीगेट्स ले रहा है, और सबको एक साथ कौन रख रहा है, बिटुमिन रख रहा है या सीमेंट रख रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ एवरीथिंग कौन ले रहा है, तुम्हारा एग्रीगेट्स ले रहा है। तो एग्रीगेट के शेप के ऊपर ये जो बियरिंग कैपेसिटी है कि लोड लेने का कितना है, वो वेरी मच डिपेंड करता है, ठीक है। अब बोलते हैं कि इसमें से कौन कौन फ्लेकी पार्टिकल्स, अगर ज्यादा नंबर ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स है, और ज्यादा नंबर ऑफ, ज्यादा लंबा एग्रीगेट्स भी अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है हम बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादा पतला भी होना अच्छा नहीं है, क्यों, अगर ज्यादा पतला हो जाएगा तो क्या रहेगा, वो लोड नहीं ले पाएगा, राइट, वर्कएबिलिटी में भी इफेक्ट कर सकता है, और ज्यादा लंबा भी वही है कि उन लोग को सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ सीमेंट, ज्यादा अमाउंट ऑफ बिटुमेन, ये सब देना पड़ेगा, ठीक है, तो खर्चा हो जाएगा, अनइकोनॉमिक हो जाएगा। तो इसलिए वी हम लोग को ऐसा सैंपल कलेक्ट करना है कि जिसमें तुम्हारा ये फ्लेकी पार्टिकल्स बोलो, एलोंगेटेड पार्टिकल्स बोलो, जितना हो सके कम हो, ओके। अब उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे कि इतना कम, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स है, कितना परसेंटेज ऑफ एलोंगेटेड पार्टिकल है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स, ओके। अगर परसेंटेज ऑफ फ्लेकी पार्टिकल्स जिस इंडेक्स से पता चलता है उसको बोलते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स, और परसेंटेज ऑफ एलोंगेटेड पार्टिकल्स जिस इंडेक्स से पता चलता है उसको बोलते हैं एलोंगेटेड एलोंगेशन इंडेक्स, ओके। अब आता है कि फ्लेकी पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, देखो इसके लिए मैम ये कॉल वाला, दिन ठीक ज्वाइन होवे बोल छे है, मैम कॉल दिन ज्वाइन होते बच्चे ना दो जन दो आदमी ज्वाइन नहीं हो पा रहे थोड़े। ओके ओके, बोलो उन लोग को जल्दी। यस मैम वो लोग ट्राई कर रहे हैं। एक तो हम आधा घंटा के बाद ले रहे हैं, ऊपर से अब ऐसे लेट जाओगे तो कैसे होगा। हो गया दो जन, अभी तो एक जन आया है, पूजन, और कौन आया, और एक है तुम लोग को ये दिख रहा है ना डायग्राम, पहले ये बोलो। यस मैम यस मैम ओके, हम ऐसे पढ़ा रहे, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये अगर एक एग्रीगेट हुआ है, ओके, इफ दिस इज योर एग्रीगेट, एग्रीगेट का थ्री डायमेंशन रहता है, राइट, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, ठीक है। तो बोला गया है अगर एक ऐसा एग्रीगेट है जिसका थिकनेस, मतलब मिनिमम डायमेंशन, विच इज दिस वन, ओके, अगर ये मिनिमम डायमेंशन उसका एवरेज मीन डायमेंशन जो भी है, एवरेज डायमेंशन, एग्रीगेट का एवरेज डायमेंशन रहता है, ठीक है, उस एवरेज डायमेंशन से अगर ये वाला थिकनेस, ठीक है, मतलब कि सपोज टी इज लेस देन 1/6 टाइम्स ऑफ, मतलब एवरेज डायमेंशन, ठीक है, एवरेज डायमेंशन, तो हम उस पार्टिकल को बोल सकते हैं कि ये वाला
पतला पार्टिकल से, आई मीन पतला एग्रीगेट से, क्योंकि उसका थिकनेस इसका जो 1/6 ऑफ एवरेज डायमेंशन है, इसका जो भी एवरेज डायमेंशन होगा उसका अगर 1/6 हम लेंगे, ठीक है, सपोज इसका एवरेज डायमेंशन है 20, ठीक है, या बोलो सपोज इसका एवरेज डायमेंशन 60 mm, ठीक है, उसका 1/6 कितना होगा, 60 mm को 1/6 कितना होगा, 1/6 टाइम्स ऑफ 60 mm कितना होगा, अगर इसका एवरेज डायमेंशन है 60 mm, ठीक है, तो 1/6 कितना होगा, 1/6 × 60 दैट इज 10 mm, ठीक है, तो अगर इसका उस वाले पार्टिकल का अगर थिकनेस 10 mm से कम रहेगा, जिसका मीन डायमेंशन कितना था, 60 mm था, ठीक है, अगर उस पार्टिकल का, उस एग्रीगेट का थिकनेस अगर वो 1/6 ऑफ 60 mm रहेगा, उससे कम रहेगा, तब हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल्स क्या है, उसको हम फ्लेकी पार्टिकल्स बोलेंगे। क्लियर? बहुत सारा सैंपल होगा जिसका तुम्हारा साइज में वैरी, ओके, तो हम एक सैंपल लिए जिसका मीन डायमेंशन है 60 mm, तो वैसा वाला एग्रीगेट का सैंपल लिए जिसका मीन डायमेंशन है 60। अब हम उस सैंपल में जितना भी एग्रीगेट्स है उसका थिकनेस मेजर करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि जिस जिस एग्रीगेट का थिकनेस मतलब 1/6 टाइम्स ऑफ 60 mm विच इज 10 mm से अगर कम है, जिस जिस एग्रीगेट उस सैंपल में से जिसका मीन डायमेंशन 60 mm है, उसमें से जिस जिस एग्रीगेट का थिकनेस अगर 10 mm से कम है, तो हम उन सब पार्टिकल को किस कैटेगरी में डाल देंगे, हम डाल देंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्लेकी पार्टिकल्स बोलेंगे, उसको फ्लेकी एग्रीगेट्स बोलेंगे। ओके, क्लियर ये वाला? हेलो, ओके। अब एलोंगेटेड किसको बोलेंगे, हम उसी वाला सैंपल लेंगे, अब उसी जो 60 mm एवरेज जिसका डायमेंशन था उसी का हम अब सैंपल लेंगे, फिर एलोंगेशन टेस्ट करेंगे, अब देखेंगे कि उसका लॉन्गेस्ट डायमेंशन विच इज द लेंथ, ओके, अगर उसका ये जो लेंथ विल बी मोर देन, अब इसका एल शुड बी मोर देन 9/5 ऑफ एवरेज डायमेंशन, ओके, मतलब जो भी हम सैंपल लिए थे 60 mm वाला, ठीक है, मतलब जिसका एवरेज डायमेंशन है 60 mm, वैसा वाला पत्थर लिए थे हम सब एग्रीगेट्स लिए थे, अब देखेंगे उन लोग का लेंथ हम मेजर करेंगे, उनमें से सपोज 10 सैंपल था, 10 एग्रीगेट था, 10 का हम इंडिविजुअली लेंथ मेजर करेंगे और देखेंगे कि जिसका भी ये 9/5 ऑफ तुम्हारा एवरेज डायमेंशन रहेगा, मतलब 9/5 ऑफ 60 mm, ठीक है, जिसका भी वो वैल्यू से अगर लेंथ ज्यादा आएगा तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, हम डाल देंगे उसको एलोंगेटेड कैटेगरी में, ठीक है, तो तभी हम बोल पाएंगे कि अच्छा ये फ्लेकी पार्टिकल्स है, ये एलोंगेटेड पार्टिकल्स है। अब हमको देखना है कि सैंपल में कितना एलोंगेटेड पार्टिकल्स है और कितना फ्लेकी पार्टिकल्स है, और याद रखना कि हमको क्या चाहिए अपने सैंपल में, अपने जो भी मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं उसमें मतलब कोई भी वीक एग्रीगेट्स नहीं होना चाहिए, एंड दीज एग्रीगेट्स आर द वीक एग्रीगेट्स, मतलब जो ज्यादा लंबा है और जो ज्यादा पतला है, ऑल दीज आर वीक एग्रीगेट्स, ओके, तो हमको वही निकालना है कि हम लोग का सैंपल में कितना वीक एग्रीगेट्स है इन टर्म्स ऑफ फ्लेकीनेस एंड इन टर्म्स ऑफ एलोंगेशन, ओके, तो यही तुम्हारा मोटो है आज का सब्जेक्ट है, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट का, ओके, तो इस हिसाब से हम एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो ये सब है फ्लेकी पार्टिकल्स, देखो ये सब थिकनेस है और ये सब है लेंदी, मतलब जो इन लोग का लंबा दिख रहा है, मतलब ये एलोंगेटेड पार्टिकल्स है, हमको नहीं चाहिए ये सब एग्रीगेट्स, होगा एक दो होगा ठीक है, मतलब एक लिमिट के अंदर चाहिए, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, ओके, यही हमको मेजर करना है, तो इसके लिए हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, जिस इंडेक्स से हमको पता चलता है कि कितना परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फ्लेकी है वो उसको बोलते हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स, और कितना परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स एलोंगेटेड है उसको बोलते हैं एलोंगेशन इंडेक्स। कुछ नहीं, तुम सपोज 100 ग्राम्स ऑफ सैंपल्स लिए हो, एग्रीगेट्स लिए हो, ठीक है, फ्लेकीनेस इंडेक्स का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करके तुम एक्सपेरिमेंट किए हो, उसमें से सपोज 10 ग्राम आया तुम्हारा फ्लेकी पार्टिकल्स, ओके, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होना चाहिए, जितना फ्लेकी पार्टिकल्स आया तुम जितना सैंपल कलेक्ट किए थे इनटू 100, ओके, यह है फ्लेकी पार्टिकल्स, आउट ऑफ 100 ग्राम 10 ग्राम आर फ्लेकी पार्टिकल्स, तो इसका कितना हो रहा, सो फ्लेकीनेस इंडेक्स इज 10%, ठीक है, वैसे ही अगर 100 ग्राम सैंपल में तुम एलोंगेशन लिए उसमें सपोज 20 ग्राम आया था एलोंगेशन इंडेक्स, तो एलोंगेशन इंडेक्स कितना होगा, 20/100 × 100 विच इज 20%, तो ऐसे ही निकालना है, बस फंडा यही है, ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे,
ये सब हमको चाहिए एंड दिस आर द इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर यूजिंग. अब ये देखकर बोलो जिन लोगों ने वीडियो देखा है, ये वाला फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए, मतलब ये दोनों में से कौन सा फ्लेकीनेस इंडेक्स के लिए हम यूज करेंगे, बोलो ये वाला ना ये वाला. सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, ऊपर वाला टू टू एलोंगेशन इंडेक्स. वेरी गुड. अब देखो यहाँ पे फ्लेकीनेस इंडेक्स बोल रहा है, ठीक है, मतलब कि हमको देखना कि कितना पार्टिकल चपटा है, फ्लैट है, मतलब उसका थिकनेस हमको मेजर करना है, ठीक है, और इसमें क्या करना है, इसको लेंथ मेजर करना है. तो इसका नाम भी एक हम लिख सकते हैं क्या, एंड दीज आर स्टैंडर्डाइज, ये जो थिकनेस, ये जो स्लॉट है उन सबका स्टैंडर्डाइज किया गया है, ठीक है. तो वो सब वैल्यू करने की वजह से इसका नाम क्या है, एक है स्टैंडर्ड लेंथ गॉज एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड थिकनेस गॉज. ओके, दिस इज योर थिकनेस गॉज, ये है थिकनेस गॉज एंड दिस इज योर लेंथ गॉज. ओके, और ये स्टैंडर्डाइज किया गया इसलिए इसका स्टैंडर्ड लेंथ गॉज, स्टैंडर्ड थिकनेस गॉज, ये याद रखना है. ओके, और एक फंडा याद रखना है कि इस वाले मतलब लेंथ गॉज से हम जो एग्रीगेट्स को पास करेंगे, ठीक है, हमको चेक करना क्या है, कौन सा पार्टिकल्स लंबा है. लेंथ गॉज से हम चेक करेंगे कि कौन सा एग्रीगेट इज लेंथी एलोंगेटेड, राइट. तो अगर हम कोई भी एग्रीगेट को सपोज इस वाले सैंपल से जिसका एवरेज डायमेंशन विल लाइज बिटवीन दिस टू, ओके, इस वाले से अगर हम पास करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे पास करेंगे, थिकनेस वाइज पास करेंगे ना लेंथ वाइज पास करेंगे, लेंथ वाइज इसको करना है. जैसे कि यहाँ पे दिया, हाँ वेरी गुड, जैसे कि इसमें देखो ये लेंथ वाइज ये पास किया है, राइट, ऐसे लेंथ वाइज, नहीं तो हमको तो इसको घुमा के भी कर सकते थे, राइट, लेकिन इसको लेंथ वाइज वी हैव टू पास द लॉन्गेस्ट डायमेंशन, लार्जेस्ट डायमेंशन विच इज द लेंथ. ओके, और थिकनेस गॉज में क्या करेंगे हम, उसको ये वाला ये स्लॉट जो है उसके अगेंस्ट में हम कैसे पास करेंगे, देखो थिकनेस वाइज हमको देखना कितना चपटा है, फ्लैट कितना है, तो उसको थिकनेस वाइज, स्मॉलेस्ट डायमेंशन वाइज उसको पास करना है, ठीक है. और ये वाला सबका क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये वाला इतना बड़ा क्यों है, ये वाला छोटा क्यों, फिर छोटा छोटा होता क्यों गया. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये वाला इतना बड़ा है फिर ये छोटा है क्यों, एनी आइडिया. হ্যাঁ ম্যাম, ওই শিপ সাইজের ভিতর দিয়ে ওই যতগুলো ওই অ্যাগ্রিগেট যাবে সেইরকম সাইজ অনুযায়ী 20 থেকে. Exactly. देखो हम बार बार क्या बोल रहे थे, किसको हम फ्लेकी बोल रहे हैं, किसको हम एलोंगेशन बोलेंगे, किस हिसाब से हम बोल रहे थे, एक एवरेज डायमेंशन हम बोल रहे थे बार बार, राइट, मीन डायमेंशन हम बोल रहे थे ना कि फ्लेकीनेस उसको बोलेंगे जिसका थिकनेस विल बी लेस देन 1/6 ऑफ मीन डायमेंशन, और जिसको हम एलोंगेटेड बोलेंगे जिसका डायमेंशन इज लेंथ इज ग्रेटर देन 9/5 ऑफ इट्स एवरेज डायमेंशन, ठीक है. तो एवरेज जो डायमेंशन बार बार बोल रहे हैं ये वाला सिग्निफाई करता है, ठीक है, ठीक है. एवरेज डायमेंशन इसको बोलते हैं, मतलब कि तुम एक सीव लोगे, बहुत सारा सीव लोगे ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है. तो फर्स्ट सीव है सपोज तुम्हारा 20, फिर उसके बाद है 16, फिर उसके ये सब mm में है, ठीक है, और ये वाला है तुम्हारा 12.65 या 12.5 mm का सीव है. हम एग्रीगेट डाल दिए इधर, अब सीव करेंगे, राइट. तो 20 से पास, 16 से रिटेन, मतलब 20 से जो भी यहाँ पे होल था सीव था उससे पास हो गए, इसमें रिटेन करेगा. तो उस सैंपल को हम अगर बोलेंगे तो इसका मीन डायमेंशन कितना होना चाहिए, इसका मैक्सिमम डायमेंशन कितना था, जो भी एग्रीगेट यहाँ पे आके मतलब क्या बोलते हैं रिटेन कर गया है उसका मैक्सिमम डायमेंशन कितना था, ये 20 से पास हो रहा है, राइट, और 20 से ऊपर वाला तो अटक जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका मैक्सिमम कितना था, 20 था यहाँ पे जो रिटेन हुआ था, सो मैक्सिमम इज 20. ओके, और मिनिमम कितना है, अब ये रिटेन कर चुका है यहाँ पे, मतलब कि ये और नीचे नहीं जाएगा, तो इसका मिनिमम कितना है, इसका 16 है, राइट. तो इन दोनों का एवरेज अगर जो भी करेंगे दैट इज द एवरेज, मतलब ये इस वाले सीफ से जो भी हम सैंपल निकाल के लाएंगे उसका मैक्सिमम है 20 और मिनिमम है 16. What is the average? Just divide by 2. दोनों को add करके divide by 2 कर दो. That will give you your average value. मतलब यही है तुम्हारा इस वाले sample, इस वाले से जो भी aggregate हम collect करेंगे, उसका average dimension is this much. मतलब 20 plus 16 by 2. Okay? तो एक value आएगा कितना आ रहा है? देखो 20 plus 16 by 2 आके plus 16 by 2. 18, right? तो ये वाला है तुम्हारा 18.
18 mm is the average dimension for this sample, जो भी यहाँ पे collect हुआ है उसका sample, ठीक है? अब उसका 1/6 या 9/5, अगर उसको हम बोलेंगे कि 9/5 of 18 अगर हम करेंगे, ठीक है? तो आएगा कितना? 9 divided by 5, 32.4, ठीक है? तो यहाँ पे जो x देखो, यहाँ पे दिया रहेगा, देखो यहाँ पे देखो 20 और 16, मतलब ये वाला रेंज, ये वाला स्लॉट, ठीक है? ये वाला स्लॉट देखो, ये वाला स्लॉट जो है, ये क्या है, इसका रेंज है 20 maximum 16, मतलब ये वाला जो भी सैंपल हम कलेक्ट किए थे, जो 20 से पास होके 16 में रिटर्न किया था, वो सबको सिर्फ इस वाले से पास करना है लेंथ वाइज, इन द लेंथ वाइज, ओके? अब इससे जो है 16 से पास 12.5 में रिटर्निंग, ठीक है? वो वाला सैंपल हम कहां से करेंगे? इस वाले से, देखो इस वाले से हम पास करेंगे, ओके? तो देखो इसीलिए ये वाला स्लॉट अलग अलग कर दिया है, और ये जो लेंथ है, ये ही लेंथ है तुम्हारा, ये वाला वैल्यू, इट शुड बी 9/5 ऑफ द एवरेज मीन डायमेंशन. इसका एवरेज कितना है, हम बोले थे 18 है, राइट? तो 18 इंटू 9/5 करके जितना भी आ रहा है 32.4, तो ये जो गैप है, ये जो लेंथ है, दिस इज योर 32.4, ओके? सिमिलरली इसका ये वाला गैप लेंथ कितना होगा, 16 पास 12.5 रिटर्निंग, इसका ये वाला गैप कितना होना चाहिए लेंथ गॉज का? ऐसे मुंह से बोलो, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. एवरेज इनटू 9/5, यस, एवरेज ऑफ दिस वैल्यूज इनटू 9/5 विल बी द दिस स्लॉट लेंथ, ओके? मतलब कि यही एक लिमिट है, तो जो अटक गया, मतलब क्या, दैट लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ, इसलिए अटक गया. तो इसलिए हम उस इस वाले सैंपल से जो भी एग्रीगेट लिए, उसको हम बोलेंगे कि वो वाला एग्रीगेट, दैट इज जो अटक गया है, दैट इज योर एलोंगेटेड पार्टिकल्स फॉर दिस सैंपल. सिमिलर इस वाले सैंपल से हम जो भी ले, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना था, 9/5 ऑफ उतना, दैट इज 32.4, मतलब जो भी अटक गया, मतलब वो वाला लेंथ इज ग्रेटर देन 9/5 ऑफ 18. तो इसीलिए हम यहाँ से जो भी सैंपल पास किए, जो अटक जाएगा, उसको बोलेंगे फॉर दिस वैल्यूज ऑफ, और फॉर दिस सैंपल, दैट इज द एलोंगेटेड पार्टिकल. तो उससे हम वैसे सबका निकालेंगे, ठीक है? तो टोटल एलोंगेटेड पार्टिकल कितना निकल आया, उसका वेट निकालो. टोटल सैंपल वेट कितना लिए थे, हमको पता है, इनिशियली हमको वेट किए थे, राइट? तो डिवाइड बाई कर दो इंटू 100 करने से तुम्हारा कितना एलोंगेटेड हुआ वो पता चलेगा. क्लियर? तो याद रखना है कि एलोंगेशन टेस्ट में वी शुड टेक द रिटेन्ड वैल्यू, ओके? जो भी तुम्हारा रिटेन करेगा इन द एलोंगेशन टेस्ट में, मतलब यहाँ पे जो रिटेन करेगा, अटकेगा, वो वाला का वेट लेना है हमको, ठीक है? अब बोलो, इसी का कॉन्सेप्ट लेकर ही बोलो, फ्लेकीनेस में क्या होना चाहिए, जो पास करेगा उसका वैल्यू लेंगे, वेट लेंगे, ना कि जो अटक जाएगा उसका वेट लेंगे? जो अटक जाएगा, नहीं मैं, जो अटक जाएगा, अटक जाएगा तो वो तो मोटा है, अटक गया मतलब मोटा है, वो गेट से नहीं पास हुआ. हम लोग को फ्लेकीनेस में क्या चाहिए, हाँ, पतला वाला चाहिए, तो जो पास करेगा वही वैल्यू चाहिए, राइट? तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से उल्टा, उसमें अटक रहा था, लंबा था, अटक गया, राइट? अब इसमें पतला था, घुस गया, ठीक है? तो ये वाला स्लॉट भी वैसे ही हम लोग डिजाइन किए, ये स्लॉट का जो थिकनेस है, ये सब जो थिकनेस है, वो भी वैसे डिजाइन किया. सपोज एक एग्जाम्पल हम अगर ले लेंगे, तो अगर पूछेगा तुमको कि ये वाला स्लॉट का थिकनेस कितना है, तो कितना होगा, पहले देखो इसके ऊपर कितना है, 63 to 40 बोल रहा है, 50 बोल रहा है, तो इसका एवरेज लो, 63 + 50 जो भी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो इनटू 9/5, ओके, विल गिव यू. मैम वीडियो ते एटा 3/5 चिलो, माने 3/5 चिलो, 3/5, हाँ मैम, 3/5 ऑफ ग्रेटेस्ट डायमेंशन, ना ना ना, हाँ मैम, 1/4/5, ते 3/5, हाँ मैम, वो ये आप जब पीडीएफ टा दिखाओ करना, 3/5 चिलो, ओ अच्छा अच्छा, वो इटा, वो इटा तो बोल चो, तो सॉरी, ये टा এটা এলংগেশনের জন্য, থিকনেসের জন্য, না না ফ্লেকি, হ্যাঁ না না ফ্লেকিনেসের জন্য, ও আচ্ছা, হ্যাঁ 0.6 ছিল, সরি 1/6 বলছিলাম, 0.6, ওকে, ও वाला ভ্যালু তো 0.6, সরি সরি, হ্যাঁ ঠিক সেই বলা, 0.6, আর যে এলংগেশন কা থা, ও वाला 9/5 থা, ওকে, হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড, তো ও 9/5 থা তোমার এলংগেশন কে লিয়ে, ইসকা থা 3/5 ইয়া 0.6, হুম, তো ইয়ে वाला हो जाएगा 0.6, ওকে, তো which is 3/5, ভেরি গুড. तो करके जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा,
ये थिकनेस होगा, वो ये वाला वही थिकनेस होगा. ओके अब जो पास होगा मतलब क्या है, थिकनेस इज लेसर देन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 3/5 ऑफ द एवरेज वैल्यू. तो वही तुम्हारा डिफाइन भी कर दिया फ्लेकी पार्टिकल से, इसका मतलब एज पर द डेफिनेशन. तो जो जो पास करेगा वो सैंपल का हम वेट लेंगे, मतलब ये वाला सैंपल सिफ्ट साइज से जो हम कलेक्ट किए थे उसका जो भी वेट पास करेगा वो वाला लेंगे, फिर इस वाले से जो वेट लेंगे उसका जो पास करेगा वो वेट लेंगे, फिर टोटल सैंपल जितना लिए थे उससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देना है. तो यही मेन फंडा है. ओके इसको ऐसे ही करना है. तो ये सब जो डायमेंशन है देखो ये सब है वही कैलकुलेट करके निकाला है. थिकनेस गॉज का वो स्लॉट का कितना है इतना है, लेंथ गॉज का स्लॉट का जो लेंथ है कितना है फॉर दिस सैंपल इतना है. ओके कुछ नहीं 9/5 ऑफ इन दोनों का एवरेज और दिस 3/5 ऑफ इन दोनों का एवरेज. ओके प्रोसीडियर वही है. अच्छा और एक चीज है कि परफेक्ट जो साइट में होता है परफेक्ट के लिए हम लोग को बोला गया है कि ईच स्लॉट से या इच स्लॉट से हमको लेना है 200 करके पत्थर 250 मतलब एग्रीगेट्स पर स्लॉट ऐसा बोला गया है. ठीक है लेकिन हम जब करते हैं तो उतना एग्रीगेट्स हम लोग नहीं करते, हम टोटल को मिलाकर 200 करके कर देते हैं. ओके ये याद रखना है. तो देखो यही यहाँ पे ये टेबल है. तो पहले हमको यहाँ पे क्या लेना था फ्लेकीनेस में जो पास किया गया वो लेना है. ठीक है ये देखो पासिंग द थिकनेस गॉज उसका वेट लेना है और इसमें जो रिटेन करेगा वो लेना है. ओके करके जो फॉर्मूलाज है ये वाला में बिठा के हमको मिल जाएगा. अब इन लोग का एक लिमिट है. ठीक है एक कंबाइन इंडेक्स भी बोलते हैं कि दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए. तो एज पर IRC बोला गया है दोनों को मिलाकर फ्लेकीनेस प्लस इलोंगेशन मिलाकर एक कंबाइन इंडेक्स होता है. इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन मतलब शुड बी लेस देन 30%. ओके लेस देन और इक्वल टू मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. हम 30% अलाउ कर सकते हैं कि हम लोग का पतला पार्टिकल्स एग्रीगेट्स या लंबा एग्रीगेट्स मिलाकर 30% ही होना चाहिए हम लोग के सैंपल में. उससे ज्यादा अगर होगा तो वो खराब एग्रीगेट हो जाएगा. ठीक है वी कांट यूज दोज इन आवर टॉप सरफेस. नीचे यूज कर सकते लेकिन टॉप में हम यूज नहीं कर सकते. ओके क्लियर एवरीवन. ओके ठीक है फिर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज इतना इसके लिए इतना ही है. अटेंडेंस तो इधर दिखाई दे रहा है लेकिन कम ही तो है आज तो सिर्फ 26 जन है. क्यों 26 अच्छा सुनो मैं नाम बोल रही जिन लोगों का नाम नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे अपना ये चैट बॉक्स में लिख दो नाम. ठीक है क्या क्या है भास्कर मंडोल है राका दास है. अच्छा राका दास नाम की राका दास ही है मैम राका ही बोले. अनिमेश मंडल सत्यजीत मन्ना रोनित दास श्रीमोई कायल अमर्त्य भट्टाचार्य वासुदेव शौविक मंडल प्रेमांशु अनीस कुहेली खुशबू अनमोल अनुपमा सौरभ रॉय इन बाकी को छोड़कर अगर कोई है यहाँ पे प्रेजेंट तो प्लीज राइट डाउन योर नेम. अंकुश पाल है अच्छा ठीक है. और आबिर का नाम था यहाँ पे नहीं था आबिर दे है विक्रम मंडल ओके पूजन सिकदार शुभ ज्योति पोड़ेल बस इतना ही है और नहीं है ना तो कौन है तो जो जो हो जल्दी से नाम लिखो यहाँ पे क्योंकि हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तो ये मैसेज सेव नहीं होगा फिर. ओके ओके देन ठीक है होप आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. ओके कैसा है डाउट होने से पूछ सकते. ओके देन थैंक यू मैम. रिकॉर्डिंग को अपलोड करेंगे तो हम कर नहीं रहे ये वाला रिकॉर्डिंग को अपलोड अगर बोलोगे तो कर देंगे. मैम आप तो गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं तो लिंक अगर भेज देंगे.